उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने झांसी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी चिकित्सक यह कि गोली प्राइवेट ना लिखे और दवाएं पर्याप्त मात्रा में हैं उसका वितरण किया जाए, मरीजों को सीधा लाभ मिले। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव पर फोकस करते हुए कहा कि आम जनता बेहद खुश है, डबल इंजन की सरकार से लाभ मिल रहा है, योजनाएं लगातार लागू हो रही हैं। बीएसपी और कांग्रेस का करकल जनता देख चुकी है, इसलिए बीजेपी का सहयोग करें और निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा में भी बुंदेलखंड की जनता कमल का बटन दबाए। प्रदेश का हमारा बहुत ही प्रमुख जिला है, इसको सर्वश्रेष्ठ जनपद स्थापित करेंगे और हर स्थिति में केंद्र प्रदेश की सारी योजनाएं यहाँ नंबर एक पर लागू हो। जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, कहाँ कहाँ धनराशि की और आवश्यकता है और कौन सी परियोजनाओं की आवश्यकता है, सभी परियोजनाओं की हम समीक्षा करेंगे और आवश्यकता अनुसार झांसी में सब कुछ लागू करेंगे। झांसी को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जो भी कमियां होंगी उन्हें हम दूर करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा करेंगे। एक भी गोली बाजार से किसी भी चिकित्सक को लिखने का अधिकार नहीं है, लिखी पाई गई तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सारी दवाइयां उपलब्ध है, अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध है। हम सभी अस्पताल के चिकित्सकों से अनुरोध करते हैं, कृपया बाजार से चार आने की भी दवाई न लिखें, सबको निशुल्क दवाई शासन की नीतियों के अनुसार उपलब्ध। देखिए ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, हम लगातार सुधार कर रहे हैं और आपको पता है प्रदेश में जब से हमें काम मिला है सुधार हो रहा है। जो भी कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे और बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध। क्या आपका दौरा, क्या आपका दौरा क्या नगर निकाय से संबंधित है, क्या क्या तैयारी है नगर निकाय की? हम यहाँ आए हैं तो नगर निकाय चुनाव की भी बात करेंगे। नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने अंगुल बजा दिया है, हम समरसता सम्मेलन कर रहे हैं, प्रभावी मतदाता सम्मेलन कर रहे हैं। अभी हमने सुबह कानपुर में प्रभावी मतदाता सम्मेलन किया, ललितपुर में हमने सामाजिक समरसता सम्मेलन किया है, यहाँ भी हम प्रभावी मतदाता सम्मेलन करेंगे। हम बुंदेलखंड के लोगों से अपील करते हैं, कानपुर के लोगों से अपील करते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आशीर्वाद दें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जो भरोसा जीता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने लाइन ऑर्डर मेंटेन करते उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीता है। समाजवादी पार्टी गुंडे मवाली माफिया उनको कुर्सी पर लिवित कर दिया, प्रदेश की जनता जान चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में क्या हुआ है, कांग्रेस ने क्या किया, किसी से छुपा नहीं है। अब मात्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता है उत्तर प्रदेश में, देश में आदरणीय योगी जी मोदी जी नंबर एक पर काम हो रहा है, सबको हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। इसलिए सबसे अपील करने के लिए आए हैं स्थानीय निकाय चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में सब लोग कमल का बटन दबाएं और देश और प्रदेश में बेहतर से बेहतर सरकार दें जिससे लोगों के लिए और बेहतर काम हो सके। डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक देश से देश और प्रदेश में काम कर रही है। मिलन हुआ और उत्तर प्रदेश और केंद्रीय मंत्री यहाँ आना हुआ राज्य मंत्री का भी, तो क्या कहना रहेगा इस विशेष अवसर पर? भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन को समाज हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय मनोहरलाल पंत जी आना हुआ, उन्होंने समाज को संदेश दिया हमारी पूरे समाज को, क्योंकि हमारी पूरी समाज यहाँ पर प्रभावी मतदाता है, उन्होंने हमारे पूरी समाज को एकजुट होने का संदेश दिया और साथ ही साथ यह भी बोला कि आगामी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग और समर्थन करना है, भारी मतों से और भारी संख्या में सीटों को जिताना है। लेकिन जो कथित तौर पर जानकारी आ रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि बीजेपी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं जातिवाद को देख रही है और समाज को एक तरीके से एकत्र कर रही है, कैच कर रही है, ये जो मुद्दा है ये हाईकमान से तय होता है, तो सामान्य कार्यकर्ता है इसमें कुछ नहीं बोल सकते, बाकी जो नेतृत्व तय करेगा वही।